मेरी लाज राख अरब। और गुरु गोरखनाथ महाराज की साधु जी सात दूणों के मध्य तपस्या की। इससे पहले आपने बर्फ पर तपस्या करी थी और दो फेरी थी शिखर दो फेरी माँ पे, दो घंटा तक लगातार सात दूणों के मध्य रही, तो आपने किस चीज को लेकर ये तपस्या की? देखो जी, मैं तीन साल से मैंने गद्दी ले रखी है, तीन साल से मैं इन्हीं दिनों में ये तपस्या जरूर करती हूँ। जैसे जैसे गुरु गोरखनाथ के आदेश आते हैं, मेरा मन कहता है उसी तरीके से मैं तपस्या करती हूँ। इसके बाद मेरी खडेश्वरी आएगी, फिर मेरी भूमि की तपस्या आएगी और फिर जलधारा होगी दोबारा से, फिर दिवाली पे शुरू हो जाएंगी दोबारा से तपस्या। तो जो खडेश्वरी की तपस्या होगी वो कितने दिन की होगी? वो भी सात ही दिन की होगी, क्योंकि बीच में गद्दी आ जाती है इसलिए फिर जनता परेशान हो जाती है, इसलिए सात ही दिन की कर पाती हूँ। सात दिन की, उसके अंदर क्या रहेगा? खड़े रहना है उसमें सात घंटे, सुबह 1 बजे से शाम 7 बजे। आप कठोर तपस्या करती है, लगातार बर्फ में भी तपस्या की, आज सात दूणों की तपस्या की, तो आपकी मनोकामना क्या रही है, क्या मांगा आपने? मैंने आज तक बाबा से तो कुछ मांगा नहीं, मैं तो एक ही बात रखा, गुरु बाबा सबका भला कर, मेरी लाज राख और अपनी भी लाज राख। तो यह तपस्या कितने दिन तक जारी रहोगी? ये जी शनिवार को संपूर्ण होगी। जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है उसी के आराम होता है। काफी भीड़ लगी है भाई साधु जी के यहाँ, शाम के 4 बज चुके हैं और भीड़ देखी जा सकती है। मोकरा धाम पर झाड़ा लगवाने वालों की लगातार सुबह से ही झाड़ा लगाया जा रहा है साधु जी के द्वारा। आप देख सकते हैं मोकरा धाम पर ये लाइनें लगी हुई है, इसमें काफी संख्या में यहाँ पर भक्तजन पहुंचे हुए हैं जो इस समय देख पा रहे हैं आप। मैं प्रधान का भी दे दिया रहा। इस समय आप देख सकते हैं साधु जी द्वारा परिक्रमा की जा रही है, जो धुणे पर धुणा लगाया था सात धुणों का, और देख सकते हैं जल परिक्रमा की जा रही है साधु जी के द्वारा, सोमनाथ साधु जी, जो सोमनाथ साधु जी उनके द्वारा जो सात धुणों के अंदर तपस्या की गई है लगातार 2 घंटे तक। उसके बाद आप देख सकते हैं परिक्रमा की जा रही है पानी के साथ, देख सकते हैं इस समय सोमनाथ साधु जी उनके द्वारा लगातार तपस्या की गई सात धुणों के मध्य जो आप देख पा रहे हैं इस समय। और गांव ये देखिए पानी, लगातार जारी है साध्वी जी, ये देख सकते हैं एक तरह से कोई जीव जंतु अंदर प्रवेश न करे पानी की लाइन लगाई जा रही है। पानी देख सकते हैं साध्वी की द्वारा जो तपस्या की है उसके बाद का ये दृश्य देख सकते हैं। ताई यारा झाड़ा लगवाना ही मुख रहे है कि मैं आराम भी हुआ है? आराम होया, पूरा पूरा होया। तो डॉक्टर पे दवाई नहीं ली? डॉक्टर पे ली, दो जगह तो कोने आराम लग गया, कोई आराम नहीं हुआ। किस चीज का झाड़ा लगवा? मेरे उदटी है सारे शरीर में, ऊंचा टीरा आ गई और ये झाड़ा लगवाए पाते आराम से, आराम से। कितना ही थी? शेरी से, शेरी ताई थी बताई, शेरी काम ताई थी, ताई तो को कराई। मैं भी दाड़े रोना ही तेरा भी इधर उधर करता, मेरा तो उधर दाड़े का आराम होगा मेरा ला गया जब चाहे भाई। ये सारे कैसे दिखा मेरे फोन में? अच्छा अच्छा, भाई साहब आप कैसे आए? ये दिल्ली
गाड़ा लवाना फिर आराम हो कि आज आया पहली बार आया था मैं देखो भाई बहुत सारे यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं दूर दराज से काफी पहुँचते हुए झाड़ा लगवाने के लिए देख सकते हैं काफी संख्या ताई तेरा भी किमें दिक्कत थी मेरा जी बे आराम है पूरा आराम है 100% है पूरा तो नहीं है पर है वो कितनी बार आ चुकी है पहले दोबारा ही दूसरा ही देख सको बेटा क्या नाम है ताई तेरा कितना आई थी दिल्ली ताई थी मैं देख लो बताई रटोली ताई थी तो रटोली ताई तो मतलब कुकर बेरा पाटिया ताई आपा ने बड़ा आराम हुआ अरे पोना मैं देख लिए हमने भी पोना हम देख का ही है और तो ये सरूम आया भाई लगा लिए कैसा सरूम आई है फिर आराम रूम से कि मैं भी लवाई पर लवा का ही से ये बलवा का ही है कोई बेरा नहीं आराम का ही है ये बकिया बेरा सह आराम ताई हां सह आराम बताई था मोकरा धाम पर किस लिए आए जी आप इस बेटे के लिए आए क्या दिक्कत है इसको इसका माइंड की दिक्कत है दिमाग की प्रॉब्लम है तो लगता है यहाँ साधु के आने के बाद भाई आराम हो जाए डॉक्टर इलाज करा इस तक कहीं तो कोई आराम नहीं और यहाँ मतलब आप इलाज के लिए पहुँचे इसके साधु से नहीं बस इसको आराम हो जाए थोड़ा बहुत जैसे आराम से बैठ जाए तो विश्वास आपको देखो जी विश्वास कुछ चमत्कार दिखेगा तो अच्छा कहाँ से आए आप रोहतक क्या नाम है